दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब साउथ अफ्रीका द्वारा खत्म हो चुका है। हमारी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला कैप्टन उनके न्यूलैंड्स मैदान पर खेला गया। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। अब दोस्तों, हमारी टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए अब T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अफगानिस्तान को पहले T20 मुकाबले में कुचलने के लिए भारतीय टीम के 11 मुख्य शहरों का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को कुचलने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के बेहद ही ज्यादा विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिसको देखकर अफगानिस्तान की टीम में भूचाल ही आ गया है। तो दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और अफगानिस्तान सीरीज का पूरा कार्यक्रम और आखिरकार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अफगानिस्तान को पहले T20 मुकाबले में कुचलने के लिए आखिरकार किन किन खतरनाक और भूखे शेरों को मौका दिया है। ये सब बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल में से कौन सबसे बेस्ट कप्तान है? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका द्वारा अब खत्म हो चुका है। दूसरे टेस्ट में हमारी टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। अब दोस्तों, इसके बाद अब हमारी टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। को बता दें कि हमारी टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा T20 मुकाबले 11 जनवरी को ग्वालियर में होगा। वहीं सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 17 जनवरी को बैंगलोर में खेला जाना है अफगानिस्तान। सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका दौरे से हमारी टीम इंडिया अब स्वदेश लौटेगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज में सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। आगामी T20 सीरीज के लिए सिर्फ युवा खिलाड़ियों को ही मौका दिया है। इस सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा और 17 जनवरी को सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच काटो काटो की टक्कर होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम बेहद ही मजबूत टीम है और मैच को पलटना अच्छी तरह से जानती है। हम सभी ने वर्ल्ड कप में देखा ही था कि अफगानिस्तान की टीम ने कैसे बड़े बड़े टीमों को धूल चटाकर रख दिया था। इसलिए हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच बेहद ज्यादा कांटेदार का मुकाबला हम सभी को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले दिन मुकाबले की मोहाली की पिच की बात करें, तो दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, लेकिन शुरुआत में यहाँ तेज गेंदबाजों को भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। T20 में बीच के ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों की जाल में फंस जाते हैं और अंत के ओवर्स में जमकर बल्लेबाज दुनाई करते हैं। यहाँ पर वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और T20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना लाभ माना जाता है। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले में अफगानिस्तान टीम को कुचलने के लिए आखिरकार किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है। आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ओपनिंग में खतरनाक बल्लेबाज शुमन गिल के साथ विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मौका दिया है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दोनों ही बल्लेबाज कितने ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं और दोस्तों जल्द ही T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ऐसे में ये दोनों ही बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप से पहले जरूर अफगानिस्तान के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी करके चयनकर्ता के नजरों में खुद को साबित करना चाहेंगे। दोनों ही बल्लेबाज पल भर में मैच को पलटने में माहिर हैं और विरोधी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों,
अब अगर तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव अपने खतरनाक बल्लेबाजी से अफगानिस्तान टीम की कब्र खोदने आएंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भले ही वनडे मैचों में अभी तक अपने आप को एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव T20 के कितने बड़े खिलाड़ी हैं और इस सीरीज में कप्तान भी है। इसीलिए दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से हम सभी को इस बार भी बेहद ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलने वाला है। जबकि चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों, इसमें अय्यर को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मौका दिया है, जबकि पांचवें नंबर पर विकेट कीपिंग के साथ साथ खतरनाक बल्लेबाजी करने के लिए लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। जबकि छठवें नंबर की बात करें तो दोस्तों, छठवें नंबर पर भारतीय टीम के बेस्ट फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह भारतीय टीम के बेस्ट फिनिशर बल्लेबाज हैं। जब भी रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिला है, रिंकू ने अपने काबिलियत को हमेशा ही साबित किया है और विरोधी गेंदबाजों को कुचल कर रख देते हैं। जबकि ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों, इसमें अक्षय पटेल को मौका दिया गया है। वही दोस्तों, आठवें नंबर पर अक्षय पटेल का स्पिन गेंदबाज में साथ देने के लिए कुलदीप यादव जैसे खतरनाक गेंदबाज को शामिल किया गया है। अब दोस्तों, अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, इसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह जैसे शानदार गेंदबाज अफगानिस्तान टीम की बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाने आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी भारतीय टीम अफगानिस्तान टीम को पहले T20 मुकाबले में हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।